हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल है दोस्तों। भाई मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम स्त्री को थिएटर में देखा था, और बाय गॉड जब वो मोमेंट हॉरिफाइंग वाला आया था मेरी गांड फट के हाथ में आ गई थी। और सेम चीज स्त्री 2 का ट्रेलर करके गया है, जो स्टार्टिंग में वो हॉरिफाइंग सीन, भाई ऐसे कौन डिजाइन करता है ट्रेलर। ट्रेलर ऑसम है, जबरदस्त है, चुम्मेश्वरी है, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। वो पूरा मोमेंट दोबारा से रिकॉल रिवाइव होने वाला है जो स्त्री के टाइम पर हुआ था। कॉमेडी ह्यूमर तो सब कुछ बेल के मिलने ही मिलने वाला है, साथ में वो हॉरर का ड्रामा, हॉरिफाइंग स्केरियस्ट मोमेंट। भाई एक एक चीज जो इम्प्रूवमेंट होके आए है ना, क्योंकि स्त्री में ही वो हॉरर वाला मोमेंट दमदार था, लेकिन भाई जो कॉमेडी का पंच देखे गया है, वो सारी चीजें, वो लिखावट, वो राइटिंग। भाई स्त्री की अगर मैं बात करूँ, वही चीज की, भाई स्त्री जो फर्स्ट थी वो अपनी लिखावट के लिए दमदार थी, और यही स्त्री 2 भी होने वाली है, इसमें राइटिंग भी दमदार होने वाली है। बाबा सर कटे का आतंक, भाई सेम चीज है। खैर कहानी पूरी ट्रेलर से ही पता लग रही है कि क्या क्या होने वाला है। भाई को कहानी से कोई इतना ज्यादा उम्मीद मत करना कि यस यार ये सब चीजें हमें पता है। यस हमें पता है, ट्रेलर ही सब कुछ बता के चला गया है, लेकिन जो ये सरकटे वाली थ्योरी है और ये जो आतंक फैलेगा, उसको जो अनवील कराया जाएगा, अनप्लॉटिंग करी जाएगी, उस थ्योरी को जैसे जैसे सॉल्व आउट करा जाएगा, और बीच में जितने भी ये हंसी ठिठोले होंगे, जितने भी हथकंडे अपनाए जाएंगे जो स्त्री मूवी के टाइम पर अपनाए गए थे, और वही यहाँ पर भी अपनाए जाएंगे अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी लेकर। वो एक कंजेस्टेड सोसाइटी वाली थ्योरी की आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, तो भाई वो सारी चीज़ें दमदार देखने को मिलने वाली है। एंड यस म्यूजिक दमदार आ रहा है भाई साहब, जो म्यूजिक काम करके जा रहा है ना, आपकी फाड़ के भी जाएगा, आपको मजा भी देकर जाएगा, और कॉमेडी भाई कहीं से कहीं तक देखने कम देखने को नहीं मिलने वाली है। ये साल बॉलीवुड में एक्शन का रहे ना रहे, लेकिन भाई साहब ये साल बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी का रहेगा ही रहेगा। जहाँ पर मुंजिया से स्टार्ट हुई थी, देन उसके बाद काकुदा मूवी आई थी रितेश देशमुख की, वो भी दमदार थी, एंड नाउ स्त्री 2। भाई ये इन दोनों मूवी के पोटेंशियल के हिसाब से बताऊँ तो सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम बेस्ट होने वाली है, क्योंकि भाई कैरेक्टर्स मजे आ रहे हैं। राजकुमार राव फुल इम्प्रूवमेंट में देखने को मिल रहा है, दोबारा से इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मसीहा चंदेरी का मसीहा कौन है भाई, अपने राजकुमार राव ही हैं। दूसरी तरफ पंकज त्रिपाठी लुक्स फैंटास्टिक, भाई अपार शक्ति खुराना लुक्स फैंटास्टिक, अभिषेक बनर्जी लुक फैंटास्टिक, एंड अपनी श्रद्धा कपूर तो भाई वो है ही खतरनाक। भाई कैमियो की बात आ रही है, कैमियो में बड़े बड़े नाम जुड़ने की बातें आ रही है। अक्षय कुमार का नाम प्रॉमिस करा जा रहा है कि शायद मूवी में हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो तो मूवी में ही पता चलेगा। 15 अगस्त को मूवी आ रही है, भाई डेट नोट कर लेना, ट्रेलर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना क्या क्या मिलने वाला है आपको वहां पर, मजा आ जाएगा भाई। ये जो खुशी देख रहे हो ना, ये बस ट्रेलर को देख के ही है, क्योंकि फुल ट्रेलर मैं 2 से 3 बार देख कर आया हूँ, और सेम कॉमेडी, सेम मजा आया है भाई वो ट्रेलर में, तो मूवी में कितना ज़्यादा आएगा वो मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकता हूँ। ट्रेलर बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है। तमन्ना भाटिया भी आज कैमियो हमें देखने को मिलने वाली, जो ट्रेलर में ही रिवील आउट कर दिया है। वरुण धवन भाई भेड़िया का कनेक्शन है, तो वरुण धवन का भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन हमें शायद देखने को मिल जाए, वो ट्रेलर में रिवील आउट नहीं करा है। बाकी भाई एक चीज़ अलग देखने को मिल रही है कि इस बार, पहले क्या था कि स्त्री में भाई सारे जो चंदेरी के मर्द थे वो स्त्री उन्हें उठा के ले जा रही थी, सरकटा क्या है यहाँ पर चंदेरी की जितनी भी लेडीज हैं या फिर लड़कियाँ या फिर खासकर कुंवारी लड़कियाँ, उनको ये उठा उठा के ले जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो सारे चंदेरी के मर्दों को भाई अपने बस में कर रहा है, उन्हें अपने कंट्रोल में कर रखा है। वो आई थिंक वही सोसाइटी का ड्रामा, शायद वो स्त्री और पुरुष वाला ड्रामा हो देखने को मिलेगा कि कैसे मर्द जात पर स्त्रियां क्या कहते हैं कंट्रोल करती हैं, कलेश करती हैं। सो शायद ये वाला कनेक्शन जरूर देखने को मिल जाए, जो लॉजिकल बैठ सकता है। फिर बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है, लेकिन भाई मैं लिटरली राजकुमार राव और अभिषेक बनर्जी के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों भाई जबरदस्त तड़का लगाते नजर आ रहे हैं। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आया, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।